कैसे हैं आप लोग? और कैसा चल रहा है सबका? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? हम लोग अब देखो कैसे कर रहे हैं, खाओ पियो सो जाओ, टीवी देख लो, मोबाइल में वीडियो बना लो और क्या। अब व्रत है, व्रत चल रहा है हम लोगों के, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ही जैसे कि आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आलू छील रही हूँ मैं, लेकिन पता है आलू उबाल के बनाती हूँ सब्जी, लेकिन मैंने सोचा आज इनको कच्चा काट के ही छौंक के बनाती हूँ, वो भी अच्छी बनती है। अगर हरा धनिया वगैरह डाल के बनाओ कच्चे आलू को छौंक के, तो अच्छी बनती है ना। अच्छी लगती है। और मौसम कितना एकदम से थोड़ा सा चेंज हुआ है, आज थोड़ी गर्मी गर्मी सी हो रही है यहाँ पे काशीपुर में। अभी तक तो नहीं था लेकिन आज ज़्यादा हो रहा है यहाँ का। आज यहाँ का मौसम चेंज हो गया थोड़ा। और आप लोग खूब सारा पानी पीजिए, आराम से रहिए। और खाली पेट मत रहिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि खाली पेट में जब आप खाली पेट रहते हो आप ज़्यादा वायरस वगैरह से नहीं लड़ पाओगे, इसलिए आपको खाली पेट नहीं रहना है, खाना खाते रहना है और अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है। ये नहीं कि खाना खाना है तो खूब हचक्की रोटी खानी है, रोटी नहीं, हेल्दी चीज़ें खानी है आपने, खूब हेल्दी चीज़ें खाइए। और जिंजर है, लेमन है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करिए। और ये मत सोचिएगा कि जो लोग सो रहे हैं उन्हें सोने दो, खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या हुआ, सो के ज़्यादा इसमें सोना भी नहीं है कि सोने के बाद भी ज़्यादा वीकनेस आती है, इसलिए ज़्यादा सोना भी नहीं है कि बहुत दिन भर कोई सोता ही रहे, रात में भी सोए दिन में भी सोए, इतना भी नहीं सोना है कि सो सो के टाइम पास करो आप अपना। आपको टाइम मिला है, आप घर में रेस्ट कर रहे हो, आप अपने घर के सारे काम करो, और अगर नहीं आता है तो करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन फिर भी घर के काम करिए और बैठ के बच्चों से बातें करिए, कोई गेम खेलिए, इंडोर गेम खेलिए आप लोग, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादातर सो सो के टाइम बर्बाद करो, लगे हम तो सो रहे हैं सो के हमारा सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग सो जाते हैं ना, तो जो लोग को बहुत से लोगों को आदत होती है कम से कम 3-4 घंटे लगातार सोते हैं, तो वो जब 3-4 घंटे लगातार सोते हैं तो वो ना उस समय ना तो वो पानी पीते हैं, ना उन्होंने कोई लिक्विड चीज ली होती, ना वो कोई हार्ड फूड लेते हैं या कुछ भी नहीं लेते, तो उनका पेट खाली खाली से रहता है, और खाली उसमें भी उनको वीकनेस आती है, और वीकनेस में भी जरा लोग सोते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। हाँ जी, और हमारी बहन जी है ना, सोए जा रहा, मैं इनको बहुत डांट रही हूँ, कह रहा है लाइट नहीं आ रही, टीवी कैसे देखूँगी, क्या बातें करूँ, देखो कितने मजे से सो रहे हैं, और यहीं पास यहीं पे सो रहे हैं, और मेरे को बीच बीच में आके ना मेरी आदत है मैं डिस्टर्ब करती रहती हूँ, जिससे पूरा पूरा सोते ना रहे, बहुत सोख कर दीना है, लेकिन मैं इनको पुश करती रहती हूँ, सुलाती नहीं हूँ ज़्यादा, कहता था तुम किसी को चैन से सोने दे सकती हो देखो कहते तुम किसी को चैन से सोने दे सकती हो। और अगर आप लोगों के घर में मेट वगैरह आ रही हो तो उसे मत बुलाइए, सेफ्टी रखिए खुद, बहुत ज़्यादा सेफ्टी करोगे तभी सही से सब लोग रह पाओगे। लॉकडाउन का मतलब पूरा होता है आप पूरा लॉक हो जाइए, आप अपने घर में पूरा लॉक हो जाइए, पूरा घर को, यानी कि ना आपके घर में कोई आ सकता है ना आपके घर से कोई बाहर जा सकता है, तो इसलिए इतना
करिए कि अगर ये मत सोचो कि काम ज्यादा है, काम वाली बुला लें, ये कर लें। अगर आपके घर में रोज पोछा लगता है तो रोज मत लगाइए, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाइए। जब कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा तो इतनी गंदगी भी नहीं होगी, तो इसलिए। और घर में जितने मेंबर्स हैं सब लोग मिलके काम करें, अगर किसी के घर में मेंबर ज्यादा हैं तो सब लोग मिलके काम करिए, क्योंकि एक जने पे तो वैसे भी इतना बर्डन नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर काम करिए, हाथ बढ़ाइए अपनी वाइफ की, अपनी मम्मी की, अपनी बहू की, अगर बहू है घर में तो बहू की। ये जो मुश्किल का वक्त है सबके लिए एक ही जैसा है, और सबको मिलके इसका सामना करना है। और जिनके बच्चे दूर हैं उनको, वो भी अपने बच्चों से फोन कर करके या फोन पे जो बातें करते हैं तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। ये नहीं कि उनको उनसे लेजी बनती की बातें करें, इससे उनके बच्चे और लेजी हो जाएं, ऐसा मत करिएगा। उनको भी सपोर्ट करिए घर में रहकर, यहाँ पर रहकर आप अच्छा सा सपोर्ट करिए उन्हें, और डांट डपट यहाँ से भी, फोन से भी लगाते रहिए, जिससे वो। और ज्यादातर वीडियो कॉलिंग करिए, कॉल पे तो बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, वीडियो कॉलिंग कर करके देखते रहिए उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप लोगों से बात करते करते मेरे आलू भी कट गए, अब मैं सब्जी बना दूंगी इसकी। और पता है इतनी परेशानी के समय आप लोगों को फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है। ज़्यादा अगर फ्रूट वगैरह नहीं खा पा रहे तो खीरा ला के रख लो, खीरा कभी खराब भी नहीं होता और बहुत जल्दी, बहुत दिन तक भी चलता है। और खीरा गर्मी में आपको पता ही है, खीरा भी, खीरे के बहुत सारे फायदे हैं। खीरे के फायदे में खीरा आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा, खीरा आपकी स्किन को गोरा बनाता है, बहुत सारी कैंसर से भी बचाता है, बहुत सारे कैंसर से बचाता है ये। और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी हैं, फ्लोरामीन भी है, कैल्शियम भी है इसमें बहुत सारा, और विटामिन तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें, और पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो आप खीरा खाइए, खीरा यूरिक एसिड को भी खत्म करता है। खीरा आपका यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर वगैरह में भी खाया जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह को कम, जिसका कम होता है उसका, यानी मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को भी, तो इसलिए खीरा खाइए। और एक खीरा आपको एक दिन में जरूर खाना चाहिए। आप घर में रहकर यही सब चीज़ें कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। हमको भी संग लिया जाना, पिया मत जानो, विदेशी आगे क्या कर रहे हो जी? आज मैं आपको सिखाती हूँ आलू की प्लेन सब्जी जो व्रत में खाते हो कैसे बनती है। मैंने देसी घी का डाला हुआ है, अब थोड़ा सा मैं उसमें जीरा डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मैं हरी मिर्च ज्यादा डालती हूँ, तो मैं लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी सी, और धनिया पाउडर, और इसमें कटे हुए ये जो मेरे आलू काटे हैं ये डाल दूंगी। बाल्टी भी बनाया है मैंने आज, काटे बना रही हूँ। इसको ऐसे चलाना है, इसमें फिर सेंधा नमक डालना है।
उसमें पानी डाल के बंद कर देंगे। दो तीन सीटी हो जाएंगे तो वो अच्छा सा केक बन जाएगा। और अब मैं आपको सिखाऊंगी जी के लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। और मैं चाय कौन सी बनाऊंगी देखो, पानी रख दिया, ये मैंने चाय का पानी रख दिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी, ये है मुलेठी, मुलेठी है, अदरक है। इस समय इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है और सभी को पीना चाहिए और सभी को स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। आप जितना घर में रह के कर सकते हो उतना करिए। ये मैंने अदरक डाल दी और ये मुलेठी है, इसको भी तोड़ के डाल दूंगी। ये ज़्यादा नहीं डालनी है, ये ना सिर्फ इतनी सी डालनी है, देखो इतनी सी। इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। इसलिए प्रयोग की जाती है मुलेठी से खांसी वगैरह या जिसका गला बंद होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और आपकी जो आवाज़ जो साउंड है उसको क्लियर करती है। तो इसलिए इस समय मुलेठी का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और फिर जो सब लोग कह रहे हैं कि जो बीमारी हो रही है ये खांसी जुकाम उससे ही हो रही है, तो उससे मुलेठी फ़ायदा करती है। और मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें दालचीनी पाउडर, ये मैं पीस के रखती हूँ और इतना सा करीब मैं दालचीनी पाउडर इसमें डालूंगी और थोड़ा सा मैंने ये काली मिर्च पीस के रखी हुई है क्योंकि मैं हर चीज़ में काली मिर्च खाती थी इसलिए मैंने काली मिर्च पीस के रखी। मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ और इतनी सी ही काली मिर्च डालेंगे चाय में। और अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है और ग्रीन टी पीने का मन कर रहा है तो आप कोई भी चाय पत्ती जो घर में यूज़ करते हो तो वो आप इतनी सी दो कप चाय में डाल सकते हो। ये वो मैंने इसमें डाल दी टेस्ट के लिए और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमारी जब चाय खोल जाएगी तो हम दोनों लोग पी लेंगे। और अभी मैंने आलू की सब्जी बनाई, फिर इसके बाद कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। आधा कद्दू बना लो बहुत होगा है, क्यों बहन जी? ओ बहन जी, ओए हमारी चाय पी गई, बन गई, अब हम चाय पियेंगे। देखो चाय का कलर ऐसा है और हम लोग चाय पियेंगे। लाइट खोलो भाई। इस वाली ऐसी चाय पीने से ना आलस भी नहीं आता है और आप सही से रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कप भी बंधे हुए हैं, कोई किसी के कप में चाय नहीं पीता। ये मेरा कप है, ये मैंग जी का कप है।
दोनों लोग अपने अपने कप में चाय पीते, कोई किसी के कप में चाय नहीं पीता है, सब अपना अपना।